हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी, और अभी जो है ये हमने एक मेरिकल मॉर्निंग किताब लिया वहीं से जहाँ से आपको बताया था, जो हमारे हैं बुक सेलर, उनके यहाँ से लिया ये किताब। में अगर आप देखिए तो यूके का 9.99 पाउंड का दिखा रहा है, इंडिया में 935 रुपीज़ की ये दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमको तो ये चूँकि वो सेकेंड हैंड बुक सेलर हैं तो उनसे हमको कम पे मिलती है। इस पे जो इन्होंने कुछ बातें कहीं, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है मेडिटेशन, प्रेयर, रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड, ये बड़ी अच्छी है। ठीक है, उसके अलावा इनका कुछ हमने एक नोट्स अब ज़्यादातर का बना ले रहा हूँ। तो जैसे अमेरिकन मॉर्निंग में भी कुछ हमने चीज़ें नोटिस की, ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छी लगी अमेरिकन मॉर्निंग में। जैसे इन्होंने, जैसे मेरिकल मॉर्निंग में सबसे पहले जैसे सेवर्स लिखा, सेवर्स में इन्होंने लिखा साइलेंस, अफर्मेशंस, सबका टाइम लिखा, जैसे साइलेंस 5 मिनट, अफर्मेशन 5 मिनट, विजुलाइजेशन 5 मिनट, फिर एक्सरसाइज 20 मिनट्स, रीडिंग 20 मिनट्स और स्क्रिबलिंग 5 मिनट्स, टोटल 60 मिनट्स होता है। जो भी आप समय पर उठते हैं तो उस पर 1 घंटा पहले उठ जाइए और ये सारे काम कर लीजिए, और जल्दी नहीं लेकिन 5-6 महीने में आपको फ़र्क नज़र आएगा, बहुत फ़र्क होता है, हमने खुद भी किया है। और बहुत चीज़ें, अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के अंदर टाटा बिरला बन जाएंगे, इस तरह की अगर सोच रखते हैं तब तो फिर बेकार है, लेकिन इट विल, ये वे है। अगर आप उससे, जो लोग नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि ये वे है जिससे आप, आपकी एज अगर 20-25 साल है, आपका 5-6 साल में आप आराम से, क्विक वे का रास्ता ज़िंदगी में कोई भी सक्सेस का है नहीं, उसके लिए मतलब इस तरह से चलिए। हम भी ये भी नहीं कहते कि हार्डवर्क में हमेशा ही विश्वास करिए, स्मार्ट वर्क पे विश्वास करिए। हार्डवर्क ठीक है लेकिन स्मार्ट वर्क भी रखिए, सिर्फ हार्डवर्क से चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो स्क्रिबलिंग है, इस टाइप से है। फिर जैसे इन्होंने लिखा मोशन क्रिएट्स इमोशन, ये भी बात हमको बड़ी अच्छी लगी इस बुक में। फिर हाउ यू डू एनी थिंग इज़ हाउ यू डू एवरी थिंग, ये भी बात इनकी बड़ी अच्छी लगी। सी इट, बिलीव इट, एक्ट ऑन इट, ये भी चीज़ बढ़िया इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको इनकी बुक में ये सारी बातें समझ में आई। ठीक है, एक बार पढ़ने लायक किताब है, पढ़ा जा सकता है, एक बार बढ़िया है, पढ़िए, कभी दूसरी बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ने लायक तो अच्छी किताब है। ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब लेथार्जी लेके पूरे समय पे बांधे रखने वाली किताब है। ठीक है, ओके, थैंक यू।